वैक्सीन नहीं तो नमकीन नहीं। अपनी नमकीन के लिए देश भर में मशहूर रतलाम ने नई पहल से मिसाल कायम की है। अब रतलाम में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद ही आपको नमकीन मिलेगी। रतलाम माने नमकीन और रतलाम माने रतलामी सेब। नमकीन के शौकीनों के लिए रतलामी नमकीन के बिना भोजन अधूरा है। अब रतलामी सेब भी मौजूद है। नमकीन की दुकानें भी खुल रही हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो रतलाम में नमकीन के शौकीन तरसते रह जाएंगे। प्रशासन की पहल पर नमकीन दुकानदारों ने अगले 8 दिन के लिए नो वैक्सीनेशन नो नमकीन का फैसला किया है। नमकीन व्यापारियों की तरफ से खुद से ये पहल हुई है। अभी गिलरा नमकीन पे है, हमें इसके पहले गोवर्धन नमकीन के वहाँ थे, इनकी खुद की पहल है कि ये एक पहल करेंगे कि हम 8 दिन तक उनको किसी को सामान नहीं देंगे जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ। प्रशासन का दावा है कि करीब 76% लोग दूसरी डोज लगवा चुके हैं, लेकिन 24% लोगों को प्रेरित करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में नमकीन के साथ वैक्सीनेशन को जोड़ना काम कर जाएगा, इसलिए व्यापारी संगठन के साथ मिलकर ये मुहिम चलाई जा रही है। इस अभियान में हम लोग भी शामिल होना चाह रहे हैं। कल से ही हमारे दुकान पे हम सूचना पत्र लगा देंगे, बगैर वैक्सीनेशन के नमकीन नहीं दिया जाएगा, और ये बहुत बढ़िया बात है। इसमें हमारा जो सहयोग हम करने के लिए तैयार हैं। बाजारों में दुकानदारों को प्रेरित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, गली गली टीका अभियान भी चलाया जा रहा है। ABP News आपको रखे आगे।